हसी गई है गाना गतिन का हसवी काशी। अब आप गाओ, अब आपकी बारी। ओपन टेलिंग लाए पापा टेलिंग ए लाए टेलिंग लाए हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम हुआ है 10 बज चुके हैं। हमारा मॉर्निंग का सारा ही काम ख़त्म हो गया है और अब जो है हल्की हल्की सी भूख लग रही है सभी को। तो अपने और दीदी के लिए तो मैं चाय बना रही हूँ, सिया के लिए दूध और रिया देव को दे दूँगी थोड़ी थोड़ी सी दही। तो जी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, सुबह का अपना सारा काम ख़त्म ही हो चुका है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे बन रही है चाय मेरे और दीदी के लिए। चाय लगभग तैयार ही है हमारी। ओ बेकूप जाट के छोरे, अभी बता दूंगी, तमीज में रह लो। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो ओसिया के लिए दूध ठंडा कर रही हूँ। गर्म हो रहा था तो मैंने बड़े बर्तन में उसका दूध ठंडा कर दिया। चाय भी लगभग रेडी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दोपहर का खाना पीना भी सब हो गया है। और ये लिए हैं पापा जी ने करेले, कुछ सब्जी लिया, लौकी, बैंगन। तो मैं इन्हें धो के और कुकर में हल्की सी एक सीटी लगा दूंगी, अच्छी तरह से धो के इन्हें, और लंबे लंबे कट करके इन्हें अच्छी तरह से सीटी लगा दूंगी एक, और उसके बाद रख दूंगी धूप में। तो ये कम ही ऑयल में बन जाएंगे क्योंकि गर्मी हो रही है और ऑयल ही सबको नुकसान ही देता है, इसलिए आज मैं इन्हें उबाल के बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इस साइज में इस तरह से इन्हें काट लिया है और इनके बीज भी सब निकाल दिए हैं, इस तरह से काट लिया है। और अब इन्हें उबाल देती हूँ। तो ये देखिए हल्दी और नमक डाल के मैंने उबाल दिए हैं, इतनी अच्छी तरह से हो गए हैं, ये बिल्कुल ही नहीं गलाए हैं। ज़्यादा नहीं गलाए हैं क्योंकि कुछ इन्हें ऑयल में भी होंगे कुछ ये, पर ये है कि इनमें अब कम लगेगा। तो अब इन्हें एक दो घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ, जो पानी का असर आया होगा इनमें वो निकल जाएगा, सब सूख जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से भी। ये करेले मेरे इस तरह के हो गए हैं, पानी भी नहीं है इनमें, बिल्कुल भी सूख गया है। और ये मसाला प्याज और हरी मिर्ची और एक कच्चा आम मैंने जो वो होती है ना छोंक काटने की मशीन, उसमें को बारीक बारीक कर लिया है सारा। अब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। नमक तो डाल दिया है, नमक डाल दिया है, मिर्ची हरी डाली है और ये धनिया है, हल्का सा जीरा डाल दूंगी और ये सौंफ। हींग भी डाल दिया थोड़ा सा, गरम मसाला और अभी इसमें हल्दी डाल रही हूँ और ये मैं इसमें एक चम्मच डेढ़ चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब इन सारों को एक साथ मिला लूँगी धीरे धीरे ऐसे करके। थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें अमचूर पाउडर। तो ये देखिए मसाला मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इन्हें करेलों में भर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे करेले चूल्हे पे। ये देखिए कढ़ाई मैंने रख दिया। ओशिया छिपट रही है, बोल रही है मम्मा ए फोर एप्पल देखना है मुझे। हल्की हल्की सी आंच जला रखी है मैंने, हल्की सी कढ़ाई है इसमें ही बनाऊंगी। सोनाक्षी की मम्मी तो कल ही तो गई जंदेड़ी रहना। एक आसवी करो डांस शाम के 7 बजे हुए हैं। इधर बच्चे कर रहे थे मस्ती और अब देव कर रहा है पूजा, शाम की पूजा देव और रिया ही करते हैं दोनों। और ये मैं आपको दिखाई चुकी हूँ इधर का, बच्चे कर रहे हैं मस्ती, दीदी खाना बना रही है और मैं कर रही हूँ वीडियो। इस तरह से कुछ इधर का नज़ारा है। दीदी बना रही है खाना और रिया लेके जा रही है अपने बाबा जी का। रिया बाबा जी की सब्जी है मिर्च घेर दिए। काम निपटाने के बाद हम पहुंच गए थे बर्थडे पार्टी में और वहीं किया है जमकर डांस। डोली के बेटे का बर्थडे था तो उसी में ही हम लगे पड़े हैं। प्लीज़ आप सब भी इंजॉय कीजिए। आपको पता है मैं म्यूजिक सॉन्ग क्यों नहीं लगाती हूँ, कॉपीराइट की वजह से सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं वो समझते होंगे इस बात को। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं नहीं लगा पा रही हूँ, किसी वजह से मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से मैं नहीं लगा पा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।